What is sustainable architecture? ये प्रश्न मुझसे 2 साल में बहुत बार पूछा गया है और हर बार मुझे इसे कुछ वर्ड्स और कुछ सेंटेंसेस में बताने में दिक्कत महसूस हुई। तो मैंने आज के टॉक के लिए सोचा क्यों ना आप सबको मैं अपनी जर्नी पे ले चलता हूँ और लेट्स फिगर इट आउट टुगेदर। सो जैसा कि होता है मेरे टाइम पे एटलीस्ट 2012 के आसपास मेजरली क्या होता था, एक करियर ऑप्शन होता था विच इज़ अ बीटेक और इंजीनियरिंग। सो आई गॉट माई एडमिशन इन बीटेक एंड देन आई ड्रॉप्ड आउट टू बिकम एन आर्किटेक्ट एंड आई चूज आर्किटेक्चर एज माई करियर पाथ। बट वाइल द टाइम ऑफ आर्किटेक्चर ऑल्सो सस्टेनेबिलिटी बहुत बार सुनने में आया था मुझे। उस टाइम सस्टेनेबिलिटी होता था मेजरली जो मुझे समझ में आया था इज अ ग्रीन बिल्डिंग। सो ग्रीन बिल्डिंग्स आर बेस्ड ऑन रेटिंग्स दैट हाउ मच सोलर एनर्जी यू हैव यूटिलाइज्ड व्हाइल यूजिंग द सोलर पैनल्स, हाउ मच रेन वाटर यू हैव हार्वेस्टेड, आपने वो बरसात का पानी कितना हार्वेस्ट कर लिया, आपने सन को कितना कट डाउन किया, इसके बेस्ड रेटिंग्स होती थी। और क्योंकि जिस कैंपस में मैं पढ़ता था वो खुद एक ग्रीन बिल्डिंग थी गुड रेटिंग के साथ, तो मुझे वो कॉन्सेप्ट समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। बट आई नेवर फील कनेक्टेड टू सस्टेनेबिलिटी बिकॉज वो रेटिंग्स के अंदर कन्वर्ट हो चुका था कि इतनी रेटिंग्स के साथ जाएंगे तो इतना ग्रीन बिल्डिंग बन जाएंगे। सो आई नेवर रिलेटेड विद दैट कॉन्सेप्ट। बट देन अ लाइफ ऑल्टरिंग इंसिडेंट हैपेंड, मेरी थीसिस। उस थीसिस के अंदर मेरे को कुछ ऐसा करना था जिसके अंदर मैं कुछ सीख पाऊँ ज़्यादा, नॉट जस्ट एक इम्प्रेसिव डिज़ाइन बना पाऊँ बट मैं एज अ स्टूडेंट कुछ लर्न कर पाऊँ। देन मैंने सोचा क्यों ना मैं उन आर्किटेक्ट्स को पढ़ता हूँ जो कि आर्किटेक्ट्स जब टर्म कॉइन हुआ था उससे भी पहले थे, द शास्त्रीज, द एंशंट इंडियन आर्किटेक्ट्स। तो मैंने उनको पढ़ने के लिए सोचा और फिर मैंने जयपुर वर्ल्ड सिटी जो आज वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज सिटी है, नॉट जस्ट अ साइट, जयपुर इज वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज सिटी, मैंने जयपुर वर्ल्ड सिटी पर अपनी थीसिस करी। और उस टाइम एक बहुत इंटरेस्टिंग कोट पढ़ा था मैंने, Till one point you built architecture and after that the architecture built you. और उस टाइम मुझे उसकी डेप्थ समझ में आई। एक एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ मैं। बड़ी चौपड़ जब मैं स्टडी कर रहा था तो 1727 में शास्त्री विद्याधर ने बैठ के उस टाइम के कॉन्टेक्स्ट को दिमाग में रख के बड़ी चौपड़ बनाया जो कि एक बावड़ी था। बावड़ी इज अ स्टेप वेल, एक स्टेप वेल था उस टाइम की जितनी भी विमेंस थी उनकी स्पिरिचुअल बाथ के लिए। फिर जब मुगल्स आए वो फाउंटेन में कन्वर्ट हुआ, फिर जब ब्रिटिशर्स आए तो वो ही स्टेप वेल फ्रीडम फाइटर्स की हाइड आउट की जगह बना और आज की गवर्नमेंट उसको मेट्रो स्टेशन बना रही है। दैट इज द ट्रू एसेंस ऑफ आर्किटेक्चर। तो जब मैंने उधर समझा कि आर्किटेक्चर का ट्रूएस्ट सेंस उसके टाइमलेसनेस में है, कोई एक कॉन्टेक्स्ट को दिमाग में रख के आज के लिए डिज़ाइन बनाए बट वो ही डिज़ाइन फ्यूचर के कॉन्टेक्स्ट के साथ भी रेलेवेंट रहे, इज एक्चुअली ट्रू सस्टेनेबिलिटी नॉट बेस्ड ऑन द रेटिंग्स। वहाँ से मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन चालू हुआ। उसी दौरान एक बहुत अच्छी चीज़ और हुई, क्योंकि मैं वर्ल्ड सिटी में जाता था, सबसे पहले तो बहुत बड़ा एप्रीहेंशन था कि उस केओस, उस मैस, उतना ट्रैफिक वाले एरिया में जाके रिसर्च करना उस यंग एज में समझ में नहीं आता था। वो हमेशा ऐसे दिमाग के अंदर एक 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 प्रॉब्लम की तरह देखता रहा। लेकिन फिर जब मैं उस टाइम दोपहर के टाइम पे इस हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट में रिसर्च करते करते महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स चल जाया करता था। सो टेक्निकली महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स ऑफ जयपुर इज फर्स्ट प्रोफेशनल डिज़ाइन कॉलेज ऑफ इंडिया, जहाँ पे प्रोफेशनली आर्ट्स और डिज़ाइनिंग सिखाई जाती थी। सो उस स्कूल में जाके बैठ जाता था मैं और गार्ड से इंटरेक्ट करता था। तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि ना एसी, ना पंखा, ना कूलर या कोई भी आर्टिफिशियल कूलिंग टेक्निक पे डिपेंडेंट हुए बिना भी वो इतनी धूप इतनी गर्मी में जगह कम्फर्टेबल है। मैं जब भी उस रिसर्च के बाद उधर चल जाया करता था मैं वहीं पर बैठ जाया करता था। और वहाँ से मुझे जो सबसे इम्पॉर्टेंट सस्टेनेबिलिटी के बारे में पता चला विच इज़ वर्नाकुलर आर्किटेक्चर।
आप सब घूमते हैं, आप सब घूमोगे भी अभी लाइफ के अंदर, ट्रेवल भी करोगे। राजस्थान में जाओगे तो आपको हवेलीज, फोर्ट्स वगैरह दिखेंगे, महाराष्ट्र में जाओगे तो आपको वाड़ा दिखेंगे, साउथ में जाओगे तो कोर्टयार्ड हाउसेस दिखेंगे, नॉर्थ में जाओगे तो एक सीलिंग हाइट छोटी करके छोटे घर दिखेंगे। इन सब के पीछे एक रीजन है और इन सारे आर्किटेक्चर को वर्नाकुलर आर्किटेक्चर बोलते हैं। तब मुझे समझ में आया कि हम सस्टेनेबल तो थे, हमेशा से थे, हम क्लाइमेट को दिमाग में रख के क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाया करते थे। फोर्ट की दीवारें मोटी हैं, 4-5 फीट की दीवारें मोटी हैं, उसके ऊपर अराइश वर्क लगा हुआ है, चूने का प्लास्टर जो हमने दुनिया को दिया है, एज अ जयपुर कम्युनिटी दुनिया को दिया है अराइश वर्क, तो वो अराइश प्लास्टर है। उसके बाद आप झरोके देखते होंगे, हवा महल विच इज अगेन अ वेरी फेमस यूनेस्को साइट, तो हवा महल में आप सबने वो झरोखे और वो जाली देखी होंगी। हम सबको ऐसा लगता है कि वो एस्थेटिक एलिमेंट है जो कि बहुत सुंदर है, बट उसके पीछे एक साइंस है, बर्नौली थ्योरम और वेंचुरी इफेक्ट। जब भी एक गर्म हवा जो राजस्थान में चलती है, जिसको हम टेक्निकली लू बोलते हैं, जब एक गर्म हवा एक छोटे हिस्से से निकल के बाहर क्रॉस करती है तो उसका टेम्परेचर कूल डाउन हो जाता है। इसलिए आप लोग जब चाय या कॉफी पीते हैं तो फूंक मारने के लिए अपना मुंह छोटा कर लेते हैं। तो वो ही साइंस लगाई थी ताकि हम लू को अंदर आने से रोके और हमारे इंटीरियर्स ठंडे हों, हमारी दीवारें मोटी रखी। इनफैक्ट फ्यूचर में आप जाओगे तो आपको पता चलेगा वास्तु एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने घर में अभी भी सुन लिया होगा कि वास्तु के अकॉर्डिंग चीजें बने, तो इवन पुरुष मंडला वास्तु जिस पे जयपुर भी बेस्ड है, जयपुर की जो प्लानिंग है वो वास्तु बेस्ड प्लानिंग है, इज ऑल्सो अ साइंटिफिक टर्म। ईस्ट से सूरज उग रहा है, वेस्ट में जाके छुप रहा है, लेकिन क्योंकि इंडिया इक्वेटर से ऊपर है तो इंडिया में वाया साउथ जाता है, नॉर्थ में डायरेक्ट सनलाइट नहीं है। तो अगर साउथ ईस्ट से निकल रहा है और साउथ से ट्रेवल कर रहा है तो साउथ ईस्ट में सबसे पहला सूरज होगा सुबह 8-9 बजे का, तो आप अपनी किचन वहां पे लगा दो ताकि आपके किचन में जितने भी खाने में आपके बैक्टीरिया है वो सनलाइट अपने आप मार दे। दैट इज द साइंस। दोपहर का सूरज है, साउथ वेस्ट को आपने बड़ा या फिर साउथ वेस्ट को आपने हैवी बना दिया, जो दोपहर में 12-3 का सूरज है वो साउथ वेस्ट के हिस्से पे पड़ेगा और वो साउथ वेस्ट के हिस्से की वजह से बाकी दोपहर में पूरे घर पे एक छाया बन जाएगी, एक शेडो बन जाएगी। तो दोपहर में आपका पूरा घर ठंडा रहे इसलिए साउथ वेस्ट को भारी बना दिया। तो वास्तु इज अगेन क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव साइंस टेक्निक। सो बस मैं इनको ही पढ़ते पढ़ते फिर मेरी थीसिस खत्म हो गई, मैं बैंगलोर चला गया, मैं मुंबई में भी काम किया, मैंने दिल्ली में भी काम किया, लेकिन फिर जब मैं जयपुर वापस आया तो मैंने सोच लिया था कि मैं सस्टेनेबल घर बनाऊंगा आज के कॉन्टेक्स्ट के साथ मॉडर्न डिजाइंस, बट आई टेक दो साइंसेज ओनली, आई यूज दो साइंसेज क्योंकि हम सस्टेनेबल थे, जैसे मैं वापस बोल रहा हूँ। अब इतनी मोटी दीवारें मैं बना नहीं सकता क्योंकि हमारे पास जगह खत्म हो चुकी है, लेकिन मुझे हीट को बाहर रोकना है। Then I used these perforated bricks. हम सब जानते हैं कि जब हीट ट्रेवल करती है तो वो एक सॉलिड से जल्दी ट्रेवल करेगी बजाय एयर के। तो जब इन ब्रिक्स के आउटर सरफेस पे हीट पड़ती थी तो इसके बीच में जो वैक्यूम, जो एयर परफोरेशन है, वहां पे हीट ट्रैप हो जाती थी और अंदर तक वो हीट ट्रांसफर नहीं होती। तो मैं मोटी दीवार नहीं बना सकता, लेकिन मुझे हीट को रोकना अपनी दीवार के अंदर ही है। तो ऐसे कुछ टेक्निक्स मैंने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर डबल हाइटेड स्ट्रक्चर्स बनाए, जो कि दो बड़े बड़े टावर्स थे और उनके बीच में एक कॉरिडोर बनाया जहां पे वो सारी गर्म हवा आके एक टनल में से निकलती है, जो कि बर्नौली थ्योरम की मैंने बात बताई थी। जैसे मैंने एक बड़ा जाली की तरह स्ट्रक्चर बनाया, टेक्निकली दैट बिटवीन एरिया। So, यहां से जब पूरी हवा एक साथ इस टनल इफेक्ट में से निकलती है तो सारे इंटीरियर्स के अंदर कूल ब्रीज बन के आ जाती है। तो ड्यू टू यूजिंग दीज काइंड ऑफ ब्रिक्स, बर्नौली थ्योरम्स एंड अदर काइंड ऑफ आर्किटेक्चुरल टेक्निक्स, मैंने ये बीएनबी स्पेस, टेक्निकली या बीएनबी स्पेस एक हॉस्पिटैलिटी प्रोजेक्ट है आज के कॉन्टेक्स्ट में, इसको बना के इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर 8-10 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस मैं अचीव कर पाया, जो कि उस टाइम भी होता था विदाउट यूजिंग एनी एसी कूलर्स और फैंस। फिर जब मैं ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहा था तब मेरे सामने एक वापस एक क्वेश्चन आया, विच इज कि सस्टेनेबिलिटी के थ्रू मैंने प्रोजेक्ट तो बना लिया है, प्रोजेक्ट ठंडा भी काफी रहता है, इस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग है, कंफर्टेबल है,
मेरे को आर्टिफिशियल एनर्जीज पे डिपेंड नहीं होना, लेकिन मेरे पास वेस्ट बहुत सारा प्रोड्यूस होने लग गया। एक कंस्ट्रक्शन साइट पर आप जब जाते हो तो आप जब वहाँ पे इतना सारा वेस्ट देखते हो, उस वेस्ट को कैसे यूटिलाइज करूँ। तो जैसे कि हर यंग आर्किटेक्ट सोचता है कि वेस्ट को मैं कुछ तरीके से यूज़ कर लूँगा, तो मैंने उससे टेबल टॉप्स, काउंटर टॉप्स और काफ़ी सारे वेस्ट मटेरियल से बिल्डिंग के फर्नीचर्स बनाने लग गया। लेकिन फिर भी मैंने देखा कि सिर्फ 5-10% ही वेस्ट मैं यूटिलाइज कर पा रहा हूँ, 80-90% वेस्ट वहीं पर ही पड़ा है। देन अगेन आई वेंट इनटू थिंकिंग कि इसका क्या करा जाए। तो तब मैंने सोचा अगर मैं वेस्ट प्रोड्यूस ही नहीं करूं फर्स्ट प्लेस पे तो वेस्ट होगा ही नहीं। फिर मेरे दिमाग में एक थॉट बार बार आने लगा, क्योंकि मैंने नवलगढ़, आप सब जब थोड़ा और जयपुर या राजस्थान के आर्किटेक्ट के बारे में जानेंगे तो नवलगढ़ एक बेल्ट है, मंडावा एक बेल्ट है, जहाँ पे बहुत सारी सुंदर हवेलीज हैं जो कि वर्नाकुलर आर्किटेक्चर के हिसाब से बनी हुई हैं, उन पे फ्रेस्को पेंटिंग्स वगैरह भी हैं, लेकिन वो सारी मोस्टली वो अबेंडेंट पड़ी हैं। मोस्टली घर सी स्कीम में जो 100-120 साल पहले पड़े थे, बने थे, वो अबेंडेंट पड़े हैं। तो मैं देखता हूँ बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी थी जो कि अबेंडेंट पड़ी हुई थी। तो फिर मैं जब इधर बार बार इनके तब ट्रैवल कर रहा था, उनका एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर देखते हुए चल रहा था, तो एक स्टडी मेरे सामने आई कि अगर जो हमारा अभी मौजूदा आर्किटेक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे वर्ल्ड में है और जिस पॉपुलेशन के साथ अभी हम हैं, इस सेम पॉपुलेशन के साथ हम अगले 5 साल तक ग्रो भी करते रहें, तब भी हमें एक नया स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है। जितने स्ट्रक्चर्स हम आज तक बना चुके हैं, अभी तक बना चुके हैं, वो इनफ हैं अगर हम उनको रीपर्पज या रीस्टोर कर लें। तो आज के डेट के अंदर दिस इज़ व्हेन आई वाज एक्सप्लोरिंग एंड ऑल दोज हवेलीज आर वर्किंग आउट एंड टुडे दिस इज़ माई ऑफिस वेयर आई वॉज doing and putting part of my studio। और वहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छा भी मिला, क्योंकि हम इसमें कल्चरली हमने इसको अडेप्ट करा है, इस ऑफिस की लाइफ स्टाइल को अडेप्ट करा है। क्योंकि क्या होता है जब हम डिज़ाइनर्स डिस्कशन करते हैं, और आप भी एक्सपीरियंस करोगे, जब आप टेबल और चेयर पर बैठ के डिस्कशन करते हो यू टेंड टू बिकम फॉर्मल, आप फॉर्मल या फिर आप टेंड टू बिकम पॉइज्ड वेन यू आर डिस्कसिंग सिटिंग अक्रॉस द टेबल एंड चेयर। एज सून एज यू कम डाउन टू द फ्लोर your discussions become organic, naturally. So, इस lifestyle, इस character के साथ use करते हुए it benefited me as a designer, as my well-being also. वो दिन में 10 बार उठना बैठना becomes a exercise. That was Indian design sensibility. That low floor sitting जो हम पुराने इंडिया में देखते थे, हम खाना भी नीचे बैठ के खाते थे, हम काम भी नीचे बैठ के करते थे, और probably हम सो भी नीचे ही जाते थे. So that Indian design sensibility was based on our well-being, not just nature, but a personal well-being. So इस ऑफिस में काम करते करते मुझे फिर से एक कोट याद आता है, और एक एक्चुअली बहुत बड़े आर्किटेक्ट ने बोला है, एक बहुत अच्छी लाइन बोली है कि एक बंद कमरा जिसके अंदर ग्लास लगा हुआ है और जहाँ से मैं नेचर को देख पा रहा हूँ, उसमें AC भी लगा हुआ है, फिर भी उस कमरे के अंदर मैं अनकम्फर्टेबल हूँ, बिकॉज ना तो मैं वो हवा महसूस कर पा रहा हूँ अपने हाथों पे, ना वो मैं मिट्टी की खुशबू सूंघ पा रहा हूँ अपनी नाक से। भगवान ने हमको 5 सेंसेस के साथ पैदा किया है, बट मोस्टली इन दिस टाइम एंड एरा हम 2 सेंसेस के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। सो इस ऑफिस में रिलाय बैठने के बाद या यूज़ करने के बाद आई रियलाइज्ड कि जो पुराना आर्किटेक्चर था वो सिर्फ सस्टेनेबल नहीं था, वो मेरी वेलबींग और मेरी पीस के लिए भी मुझे हेल्प कर रहा था। तो यहां तक मैं रीस्टोरेशन और रीपर्पसिंग को भी समझ चुका था सस्टेनेबिलिटी के थ्रू, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन रह गया, क्योंकि मैं साइट्स तो कर ही रहा था, मैं हर बार रीस्टोर नहीं कर सकता, तो वो जो वेस्ट बच रहा था उसका मेरे को अभी भी कोई चीज फिगर आउट नहीं हुई। तो फिर मेरे पास फॉर्चुनेटली उस टाइम एक प्रोजेक्ट और आया जिसमें क्लाइंट, अ वेरी टिपिकल इंडियन क्लाइंट, विच स्टेट्स, रघु आई वॉन्ट टू मेक अ best lifestyle store in Jaipur, but I don't have budget. So I was like, great. So because of his legacy, he, unke paas 30-40 years ki legacy thi of their work. So because of their legacy, I asked him in a random conversation, ki sir, aapke paas aapka furniture to bacha hua hoga na 30-40 saal ka. Unhone kaha, haan, bilkul bacha hua hai. That was the kind of waste I'm talking about at sites, jo bach jata hai. आप चाहे कितना ही कोशिश कर लीजिए। सो
वो मुझे अपने बेसमेंट में लेके गए और बेसमेंट में मुझे ट्रेजर मिल गया, उनका सारा पुराना फर्नीचर, उनका वो बहुत ही गंदी हालत में पड़ा हुआ बेसमेंट। मैंने कहा ठीक है सर, हम जयपुर का बेस्ट लाइफस्टाइल स्टोर बनाते हैं इसको यूज़ करके। और फर्स्ट थिंग ही सेड, आप सही तो बोल रहे हो ना रघु। मैंने कहा सर ट्रस्ट मी, विल यूज़ योर बेसमेंट, हम आपके बेसमेंट को रीस्टोर करेंगे, हम आपके फर्नीचर को रीस्टोर करेंगे, हमारे पास जितनी भी आपकी 30-40 साल पुराने खिड़की और दरवाजे बचे हुए हैं हम इनको रीस्टोर करेंगे। एंड एक छोटा सा कैलकुलेशन, ऑल दो ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल है, बट एक छोटी सी कैलकुलेशन बताता हूँ। एक बेसिक स्टोर, लाइफस्टाइल स्टोर को बनाने के लिए आपको पर स्क्वायर फिट 800 to 1000 रुपीज़ खर्च करने पड़ते हैं। एंड वेन वी डिड दिस प्रोजेक्ट वी हैव समथिंग अचीव्ड फ्रॉम दोज विंडो पैनल्स, अ होल स्टोर विद अ टेराजो फ्लोरिंग, एंड वी डिसाइडेड दैट वी डोंट ट्रैश एनी मोर, हम कुछ कचरा नहीं करेंगे। और फिर उस सब चीज़ों को अचीव करके इस प्रोजेक्ट पे मैंने सिर्फ 4 नए प्लाईबोर्ड्स मंगाए थे एंड प्रोजेक्ट की कॉस्ट 450 रुपीज स्क्वायर फिट तक ले आया था, जस्ट बाय रीपर्पजिंग एंड अचीविंग जो उनके पास पड़ा हुआ था। तो ग्रीन बिल्डिंग्स जो मैंने स्टार्टिंग के अंदर अपनी आर्किटेक्चर कॉलेज में पढ़ी थी, एक क्राइटेरिया एज अ रेटिंग, देन वर्नाकुलर आर्किटेक्चर जो एक क्लाइमेट को दिमाग में रख के ऑटोमेटिकली बहुत सस्टेनेबल चीज बनाता है, उधर से रीस्टोरेशन जो आज हम कर सकते हैं हमारे स्ट्रक्चर्स के साथ, और वहां से रीपर्पजिंग और अपसाइक्लिंग जो मैंने एक प्रोजेक्ट में कर ली। मैं स्टिल सस्टेनेबिलिटी इन आर्किटेक्चर फिगर आउट कर रहा हूँ, स्टिल आई एम गोइंग थ्रू व्हाट्स नेक्स्ट। सो इसी के साथ मैं अपनी टॉक कंक्लूड करता हूँ उस एक थॉट के साथ जो आजकल मेरे को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। व्हेनेवर समवन कम्स टू मी दे कम एक बहुत अच्छी ब्रीफ के साथ आते हैं। वो ब्रीफ होती है सर ऐसा कुछ हम बना पाएंगे, और जो वो उनका ऐसा कुछ है वो ड्रिवन होता है आजकल हमारे स्टिमुलेशन से। ये जो हमारा स्टिमुलेशन सबसे ज्यादा है इससे वो ऐसा कुछ ड्रिवन है कि ऐसा कुछ हम बना पाएंगे, तो वो कॉन्टेक्स्ट भूल जाते हैं। और क्योंकि मुझे आर्किटेक्चर कॉलेज और प्रोसेस में सिखाया गया है आस्क व्हाई, तो व्हेनेवर आई आस्क देम व्हाई डू यू वांट टू क्रिएट दिस स्पेस इन दिस एरिया व्हिच इज नॉट रेलेवेंट, आप ये चीज इस जगह पे बनाना चाहते हैं, व्हाई डू यू वांट टू मेक इट, तो एक काउंटर क्वेश्चन होने लग गया है, व्हाई नॉट, क्यों नहीं बना सकते। सो व्हेन आई गो थ्रू दिस व्हाई नॉट क्वेश्चन आई से या इट्स ओके, दैट्स फेयर इनफ, देन इट ऑलवेज कम टू इन माय माइंड द वन लास्ट लाइन, दैट लाइन इज Believing in everything is almost equivalent to believing in nothing. Thank you guys, that's my time.